हेलो एवरीवन, सिग्नल एंड सिस्टम्स के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। और क्लासिफिकेशन के अंदर पहला पार्ट मैं ले रहा हूँ इवन एंड ऑड सिग्नल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवन सिग्नल्स की डेफिनेशन को देखते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ अ सिग्नल इज सिमेट्रिक और मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस देन दैट सिग्नल इज कॉल्ड इवन सिग्नल। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट इसका LHS और RHS साइड एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, तो अगर ऐसा है तो ये एक इवन सिग्नल का ग्राफ है। मैथमेटिकली इस चीज को हम बोल सकते हैं कि XT इज इक्वल्स टू X ऑफ माइनस T। इसका मतलब अगर किसी भी फंक्शन में हम टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑपरेशन अगर अप्लाई करें और हमें सेम फंक्शन दोबारा मिल जाए तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे एक इवन फंक्शन। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर XT इक्वल्स टू cos T का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है और इस ग्राफ के लिए हमें पता करना है कि ये एक इवन सिग्नल है या नहीं। तो इवन सिग्नल पता करने के लिए टी को हम रिप्लेस करेंगे माइनस टी से और कॉस ऑफ माइनस टी होता है कॉस टी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स टी इक्वल आ रहा है एक्स ऑफ माइनस टी के। इसका मतलब ये एक इवन सिग्नल का ग्राफ है। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑड सिग्नल्स के लिए। इन एन ऑड सिग्नल द LHS एंड RHS साइड्स ऑफ द सिग्नल आर एंटी सिमेट्रिक टू ईच अदर। एन ऑड सिग्नल ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है ऑड सिग्नल के लिए। मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है और अगर हम इस ग्राफ को वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड करें तो फोल्ड करने पर हमें ये ग्राफ मिलेगा और उसके बाद फिर इसे हम एक्स एक्सिस के अबाउट फोल्ड करें, फोल्ड करने पर हमें ये ग्राफ मिल रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है। इसका मतलब अगर हम किसी ग्राफ को एक बार वाई एक्सिस और एक बार एक्स एक्सिस के अबाउट फोल्ड करें और हमें सेम ग्राफ मिल जाता है तो वो ग्राफ एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और ये एक ऑड सिग्नल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये ग्राफ एक ऑड सिग्नल का ग्राफ है। इसी चीज को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखना चाहें तो यहां पर हमने वाई एक्सिस के अबाउट फोल्डिंग परफॉर्म की है, इसका मतलब टाइम रिवर्सल ऑपरेशन अप्लाई किया है। उसके लिए मैंने यहां पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद हमने एक्स एक्सिस के अबाउट फोल्डिंग परफॉर्म किया है, इसका मतलब हमने एम्पलीट्यूड रिवर्सल ऑपरेशन यहां पर अप्लाई किया है। इसके लिए मैंने एम्पलीट्यूड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऑड सिग्नल की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है XT इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। यहां पर एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है और इस ग्राफ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि XT इज एन ऑड सिग्नल। इसका मतलब ये एक ऑड सिग्नल का ग्राफ है। फाइंड द LHS साइड ऑफ द सिग्नल, इसका मतलब RHS साइड हमें दी हुई है, ऑड सिग्नल हमें बताया गया है और हमें LHS साइड फाइंड करनी है। तो यहां पर एंटी सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है उसे हम अप्लाई करेंगे। एंटी सिमेट्रिक होने के लिए हम सबसे पहले इसे इस वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड करेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट फोल्ड करने पर हमें ये ग्राफ मिलेगा और फिर इसे एक्स एक्सिस के अबाउट फोल्ड करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट फोल्ड करने पर ये ग्राफ हमें मिल रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये इस पूरे ऑड सिग्नल का LHS साइड है। और अगर फिर से हमें इस RHS साइड से LHS साइड चाहिए तो फिर से हम एक बार Y एक्सिस के अबाउट और एक बार X एक्सिस के अबाउट फोल्डिंग परफॉर्म करेंगे तो ये ग्राफ हमें वापस मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इवन एंड ऑड सिग्नल से रिलेटेड, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम दो इवन फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रिजल्टेंट हमेशा इवन फंक्शन मिलता है। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। अगर दो ऑड फंक्शंस को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो भी हमें इवन फंक्शन मिलता है। तो इन चारों ऑपरेशंस में हमें रिजल्ट इवन फंक्शन ही मिलेगा। नेक्स्ट, एक इवन और एक ऑड फंक्शन को आपस में डिवाइड करने पर हमेशा ऑड फंक्शन मिलता है और एक इवन और ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करने पर भी हमें ऑड फंक्शन मिलता है। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं साइन टी एक ऑड फंक्शन है और कॉस टी एक इवन फंक्शन है और मल्टीप्लीकेशन हमें साइन का फंक्शन मिल रहा है जो कि एक ऑड फंक्शन है। दो इवन फंक्शंस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर भी एक इवन फंक्शन ही मिलता है और ऑड फंक्शंस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर एक ऑड फंक्शन हमें मिलता है। अगर एक इवन और एक ऑड फंक्शन को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्टेंट ना तो इवन मिलता है ना ही ऑड मिलता है, उसे हम कहते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो क्वेश्चंस में जब भी इवन और ऑड फंक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन और डिविजन की बात होगी तो जो रिजल्ट होगा उस पर हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं इन पॉइंट्स का यूज करके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इवन एंड ऑड फंक्शंस को ही कंटिन्यू करूंगा और वहां पर हम इवन ऑड फंक्शन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।